आप स्टोरीज वोरीज में कर रहे हो मत करो, मेरे किसी प्लेयर के अगेंस्ट प्लीज मेरे को दे दो सुचिंद्र भाई से। फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन से मेरी बात चल रही है, आर्यमन से भी 2-3 दिन से मेरी बात चल रही है। टू फिगर आउट कि उनके टीम में एक्चुअली कोई हैकिंग कर रहा है क्या, एंड दे हैव बीन कोऑपरेटिंग 101%, 101% कोऑपरेट कर रहे हैं वो लोग हमारे साथ टू मेक श्योर कि उनके टीम में कोई हैकिंग नहीं कर रहा है। अन्ना ऑल्सो, VLT सेंटिनल ऑल्सो, उनको जरूरत ही नहीं है। ये मे बी 1-5% ऑफ देयर एक्चुअल इनकम, ठीक है, ई स्पोर्ट्स, तो जरूरत नहीं है उनको ये सब करने का, क्योंकि उनमें जो एक दो प्लेयर्स है वो पुराने हैकर्स है, ठीक है। जी में फॉर एग्जाम्पल अपेरेंटली उनमें एक दो प्लेयर्स है जो पुराने पेड स्क्रिम वगैरह हैकिंग करते थे, ठीक है। इसमें मेरा स्टैंड, हैकिंग के सिनेरियो में मेरा स्टैंड ये है कि मैं जितना हो सकता है अपने, क्योंकि सैगी वैगी पकड़ने के बाद, वो जो हैक्स आ रहे हैं आजकल वो पकड़ने के बाद सीन ऐसा हो गया कि भरोसा ही नहीं है किसी के ऊपर भाई, ये लोग भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा स्टैंड क्या है ना ये पूरे सिनेरियो के ऊपर, कि मैं इतना से बोल रहा हूँ कि मेरा स्टैंड ये है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे प्लेयर्स लेजिट है या नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत अलग लेवल के है ब्रो ये हैक्स, बहुत अलग लेवल के है ये। तो ठीक है, मेरे को पता नहीं कि कौन हैक कर रहा है और कौन नहीं मेरे टीम में, ठीक है। मैं ये उठ के नहीं बोलने वाला कि 101% मेरे प्लेयर्स हैकर्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है ब्रो, कुछ भी हो सकता है। मेरा स्टैंड ये है कि अगर किसी के पास एविडेंस है, कुछ भी है मेरे किसी प्लेयर के अगेंस्ट, प्लीज मेरे को दे दो, उसके आगे जो करने का है वो मैं करूंगा। बाकी चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, कंप्लीटली 101% चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। अगर किसी के पास उसके बाद भी अगर कुछ प्रूफ एविडेंस कुछ मिलता है मेरे को दे दो, बाकी ये प्लेयर फिर उसके बाद प्लेयर्स का क्या करने का है वो मैं करूँगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ स्मॉल मैसेज टू मायावी, जो आप कर रहे हो सोशल मीडिया पे, जो आप स्टोरीज वोरीज में कर रहे हो मत करो, जेन्युइनली आपको एडवाइस दे रहा हूँ एज योर फ्रेंड और एज अ ब्रदर, मत करो ये चीज़, क्योंकि इफ देर इज अ 1% चांस दैट योर प्लेयर डज गेट कॉट टुमारो और किसी को प्रूफ मिल गया उसके अगेंस्ट, क्योंकि एक प्लेयर है जिसके अगेंस्ट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रूफ मिल सकता है, और जब वो प्रूफ बाहर निकलेगा तब ये होगा ना मायावी भाई कि लोगों को लगेगा कि आप भी इस पे इन्वॉल्व थे। दो चीजें होंगी, या तो लगेगा कि आप भी इस पे इन्वॉल्व थे, या ऐसे लगेगा कि मतलब पब्लिक हंसेगा फिर आप पे, ठीक है, पब्लिक हंसेगा, या तो पब्लिक को लगेगा कि आप भी इस पे इन्वॉल्व थे। इसमें क्या होगा कि इधर वे आप इफेक्टिवली आपका करियर एंड हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाओगे आप। तो इतना ही मैं बोल रहा हूँ मायावी जी, प्लीज आप जो सोशल मीडिया पे कर रहे हो करना बंद कर दो, आपके जो कंपनी के ओनर्स है लेट देम स्पीक फॉर द टीम, लेट देम टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिगरिंग आउट वेदर देयर प्लेयर्स आर हैकिंग और नॉट, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट कि रुशिंद्र सिन्हा दिन रात अभी यही करने में लगा देंगे टू मेक श्योर, टू एंश्योर दैट दे हैव नो हैकर्स इन दैर टीम, बिकॉज फॉर पीपल, फॉर ऑर्ग्स लाइक सोल, GE, OR, गॉडलाइक, दिस मनी दैट कम्स फ्रॉम ई स्पोर्ट्स है ना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एनिग्मा। ये जो ये मनी बहुत छोटा मोटा मनी है, ई स्पोर्ट्स में इतने बड़े ऑर्ग चलाने के लिए एक जो क्रेडिबिलिटी लगती है ना, जो भरोसा लगता है लोगों का, वो बहुत जरूरी होती है। और कितना भी पैसा कमा लो उनके लिए वो कुछ भी नहीं होता जब तक उनके पास वो क्रेडिबिलिटी है। With the